तो भाई आज हो रहा है हमारा वापस बहुत टाइम बाद एक मोटा व्लॉग। मतलब मैंने 12 डेज 12 वीडियो चैलेंज लिया, उसके बाद में ये अपना पहला वीडियो है अप्रोक्स 1 वीक के बाद, और वो भी मोटा व्लॉग। क्या बात है। तो आज की अगर वीडियो के बारे में अपन कुछ बातें कर रहे हैं, आज के काम के बारे में कुछ बातें कर रहे हैं, आज के व्लॉग के बारे में कुछ बातें कर रहे हैं, तो टाइम हो रहा है 3:30 और धूप एकदम चुभती हुई धूप है भाई, चुभती हुई धूप। मतलब बस पूछो मत यार, एकदम मतलब जैसा था ना चीर के शरीर में घुस जाए, वैसी धूप है। और मैं निकला हूँ एक ज़रूरी काम करवाने के लिए, जो बहुत टाइम से अटका हुआ। वो काम करवाने अपन आज क्यों निकले हैं, क्योंकि आज है थर्सडे, कल है फ्राइडे, कल मुझे जाना है किसी काम से नरेला हाँ, और फिर है सैटरडे को। मतलब ऐसी मिथ है कि मतलब लोहा वगैरह खरीद नहीं सकते रहन और कुछ, एंड सैटरडे को शायद मुझे टाइम भी ना मिले क्योंकि सैटरडे को है मुझे कुछ और काम, और संडे को होती है अपनी राइड। एंड इस बार वी आर प्लानिंग अबाउट ए लॉन्ग राइड, मतलब छोटी छोटी GFR की, द्वारका की बहुत मार ली, अब सोच रहे हैं कहीं लंबा जाने का, मतलब 100-200 किलोमीटर, ताकि राइड करके कुछ लगे कि हाँ राइड किया है, कुछ पेलने को मिले, कुछ भगाने को मिले। तो उसके लिए एक बहुत ज़रूरी काम है जो मुझे करवाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला तो वो ये है कि मुझे अपने हेलमेट का वाइज़र चेंज करवाना है। अभी जो वाइज़र आई एम यूजिंग इस प्लेन वाला ट्रांसपेरेंट वाइज़र, जो प्लेन होता है वो वाला है, एंड मुझे लेना ब्लैक वाइज़र जो स्मोक वाला आता है, वो क्यों लेना है। एंड इसमें क्या दिक्कत आ गई है, इसमें दिक्कत ये है कि मुझे हेलमेट यूज़ करते हुए बहुत टाइम हो चुका है, एंड इसमें कुछ स्क्रैचेस आ चुके हैं, और मेरा अभी ब्लैक लेने का मन है क्योंकि अभी मेरी रात की कहीं की भी राइड वगैरह होती नहीं है, एंड कोई लॉन्ग ट्रिप मारने का अभी कोई प्लान भी नहीं है, क्योंकि ड्यू टू कोरोना महाशय सारे प्लान्स वगैरह कैंसिल हो गए। नहीं तो इस साल मतलब अभी 2020 में मैंने एक चंडीगढ़ राइड मारी, एक राजस्थान करने का प्लान था अपना अजमेर, और राजस्थान वैसे की मैंने एक, पर शादी में गया था वो, पर सिर्फ राइड करने का मन था। एंड एक था मनाली की साइड जाने का, और दूसरा राइड नहीं करते बस एक ट्रैवल होता, एक जाते हम हेमकुंड साहिब अलग से मनाली से ही नहीं, या फिर मनाली पहुंचने के बाद बाइक से, मतलब अपनी बाइक से मनाली के बाद में कहीं देखते। पर थे मेरे 2-3 राइड के प्लान्स थे जो कि कैंसिल हो चुके हैं कोरोना के चलते। अब बस ये है कि अगर आज सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो हम कल निकल लेंगे हरिद्वार ऋषिकेश के लिए, क्योंकि वो तो बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं जा रहा हूँ, सबसे पहला तो वाइज़र चेंज होगा अपने हेलमेट का, चेंज क्या मेरे को लेके आना है, होप सो मिल जाए, क्योंकि एक्सोर का भी स्टॉक नहीं आ रहा, माल नहीं आ रहा है, अगर मिल जाता तो सीधा मेरे को लगेगा 1500 का फटका, क्योंकि इसका आई थिंक 1100 कुछ का वाइज़र है शायद एंटीफोक के साथ, तो वो लेना ही है मेरे को। एंटीफोक तो ज़रूरी अभी ज़रूरी नहीं है, पर छोड़ो एंटीफोक नहीं लेते, सिर्फ वाइज़र लेते हैं। फिर अपने को करवाना है सबसे बड़ा काम अपनी बाइक के ऊपर, वो है इसका चैन सेट चेंज हो जाएगा आज, अगर मिल जाता है तो। अब मैं कंपनी से सर्विस सेंटर से क्यों नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि सर्विस सेंटर से मुझे बहुत महंगा पड़ रहा है, बोल तो महंगा नहीं पड़ रहा, जितने का है उतने का ही पड़ रहा है, पर सर्विस सेंटर से मुझे वो पड़ रहा है अप्रोक्स 2900 के आसपास का, लगभग 3000 का पड़ेगा मेरे को सर्विस सेंटर से। एंड मुझे लग रहा है ये थोड़ा कॉस्टली है, देखते हैं अगर करोल बाग में कहीं से जेन्युइन पार्ट ओरिजिनल, मतलब लोकल तो मैं डलवाने वाला नहीं हूँ, अगर जेन्युइन पार्ट कहीं से अच्छा डील क्रैक हो जाती है तो वहाँ से उठा लेंगे, बस मिल जाए आज, क्योंकि अगर आज सर्विस सेंटर, मतलब आज अगर चैन सेट नहीं मिला तो फिर अपने को देख रहे हो, एक बार देख रहे हो, ज़ेब्रा क्रॉसिंग है यहाँ पे, और देखो सब ये है अपना इंडिया, और इंडिया में भी लोग मान जाए पर दिल्ली में नहीं मानेंगे भाई, क्योंकि वो होता है ना, वो दिखाना होता है कि दिल्ली से है भाई, है दिल्ली से है फिर
तो भाई अपन पहुंच चुके हैं ह्यूज राइडर। मोहित भैया ने कहा था ह्यूज राइडर पे पहुंच के फोन करना। डोमिनार खड़ी है, मोहित भैया की तो नहीं है ना? ना ना, मोहित भैया की नहीं है। तो अपन मोहित भैया को कॉल कर लेते हैं एक बार। ठीक है भाई, ठीक है। तो जी मोहित भैया ने बताया मेरे को यहाँ से लेना चैन सेट, तो लेते हैं फिर मिलते हैं। इतने आप थोड़ा इंजॉय करो, मैं जाके लेके आता हूँ। तो भाई अपन ने ले लिया अपना चैन सेट एंड वो है अभी हमारे पास में, और अब इसको लगवाना है हमें यहीं से। लगवाए कहाँ से हैं, तो जाम लग गया, रुकना भैया यहीं से लगवाते हैं। चैन सेट लगवाना है इसका, चैन सेट। आ जाएगी, रहन दो रहन दो रहन दो रहन दो। लगा दूं यहीं पे, तो अब यहां लग जाएगा अपना चैन सेट। आइए दूसरे एंगल पे बाइक का हाल देख लो एक बार पूरा, मतलब पीछे से गंदी भी पड़ी है, सीट फटी फटी है, सीट भी चेंज कराएंगे अभी, कवर लगवा लेंगे इसके ना, और ये चैन सेट ये यहाँ पे चेंज होना है एंड यहाँ मैं इस पे हूँ। स्टे ट्यून्ड। तो भाई अपना चैन सेट चेंज हो रहा था पर बाइक ज़्यादा गंदी थी, तो मैंने कहा पहले धुलवा के लिए आऊँ, तो बस धुलवा यहाँ पे वॉशिंग के लिए आ गया हूँ। और यहाँ पे एक हार्ले भी वॉश हो रही है, ये अपनी बाइक है, यहाँ पे ये वॉश होगी, और वहाँ पे स्कूटियाँ लेटी पड़ी है, और ये पता नहीं क्या है मेरे पास, साइकिल है या बाइक है, ये होगी। I should probably start to walk away. I'm hoping that you'll stop and make me have to stay, 'cause I'm floating in your orbit. Yeah, I'm stuck in your space, just my luck. Push me away, you understand. There's nothing left to say. Pull me back, take my hand, call my name. You understand, I wanna stay. Take it back, your heart still spinning inside your orbit. तो भाई अपना काम हो चुका सारा, और खर्चा भी हो चुका सारा, पूरा पर्स खाली।
तो अपना चैन सेट का काम हो चुका, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट था। अपना हेलमेट का वाइजर आ चुका है, जो कि इम्पोर्टेंट था, नॉट मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड अब अगर मैं बात करूँ बाइक की, तो भाई एकदम मक्खन चल रही है, एकदम मक्खन। चलाने में मज़े आ रहे हैं, फील आ रही है, अच्छा लग रहा है। और ये मैंने ज़रूरी इसलिए समझा चेंज करवाना चेन सेट, ऑल्दो इतनी प्रॉब्लम नहीं कर रहा था, पर साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा था। ऊपर से मैंने मतलब टैंक फुल करवाया था, और फुल करवाने के बाद में ये बाइक पहुंची थी चंडीगढ़, और अभी मैंने फुल करवाया। फुल करवा के ये 100 किलोमीटर भी नहीं चली, और इसकी टंकी आधी होगी ऑलमोस्ट, मतलब बहुत कम माइलेज दे रही थी, और वो ऑब्वियसली देगी अगर मतलब चैन इतना सही नहीं थी तो। अब बस एक काम रह गया अपनी अप्पू में, वो है इसका जो आगे वाले शॉकर हैं उसका स्प्रिंग, एंड हम फंस चुके हैं जाम में। ओ भाई ये क्या है, इतना गंदा जाम। तो वाइजर मिल गया मुझे अपनी पसंद का, मैं लेने गया था ब्लैक वाला, पर ब्लैक ना मिल गया, मेरे को मिल गया ब्लू कलर का, एंड जो कि बड़ा ही अच्छा लग रहा है भाई। भाई हमारा तो ऐसा ही है, जाम में फंसे रहेंगे अब आगे जाके कोल्ड ड्रिंक वगैरह पियेंगे और फिर निकलेंगे घर को भागम भाग। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, करोल बाग के लिए शुरू हुआ था करोल बाग पे ही एंड होगा, बाइक के लिए शुरू हुआ था बाइक पे ही एंड होगा। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, मैं मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज सब्सक्राइब DNP व्लॉग, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा, कुछ भी लगा हो, तो कर देना लाइक, अगर अच्छा नहीं लगा कर देना डिसलाइक, और डिसलाइक करके बताना ज़रूर कि अच्छा क्यों नहीं लगा आपको, ताकि हम उसे आगे आने वाली वीडियोस में इम्प्रूव कर सकें। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, टू बी अ हीरो, बाय बाय, टेक केयर, लाइक करना मत भूलना। Oh, hey, thanks, dudes. We'll be in touch. Call me. Deadpool, hey, babes, mayhem. Let's get it on! Deadpool! Ow! Ow!